हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 10 फरवरी का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको करेंट अफेयर का सारा PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डी, विदर्भ। सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, 99% लोगों ने डी ही ऑप्शन आंसर में दिया है। और इसका रनर अप अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 का रणजी का रनर अप कौन था, तो सौराष्ट्र आपका रनर अप था, और 2018 का भी विजेता विदर्भ ही था। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए 103 मतलब 103, बी 102, सी 101 या डी 100। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो हो जाएगा 103 रैंक मिला है। पहले 100 रैंक पर था, अब 3 रैंक और पीछे आ गया है, तो 103वां रैंक जो है वो भारत को मिला है फीफा रैंकिंग में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पश्चिम बंगाल में अपने राज्य के दौरे के दौरान नई उच्च न्यायालय सर्किट बेंच का उद्घाटन किया? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए कोलकाता, बी हावड़ा, सी जलपाईगुड़ी या डी बाकुंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलपाईगुड़ी, यहीं पर इनका रैली भी था और यहीं पर इन्होंने एक उच्च न्यायालय सर्किट बेंच का उद्घाटन किया है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल शुरू किया है? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए राजस्थान सरकार, बी बिहार सरकार, सी तेलंगाना सरकार या डी झारखंड सरकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ऐसा किया है, और ये करने वाला पहला ऐसा राज्य बना है जो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के लड़के जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस पोर्टल से। सब कुछ आपको पढ़ने का, सारा जितना भी होगा बुक वुक सब यहाँ पर ई बुकिंग जैसे बोल सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, पांचवीं भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए न्यू दिल्ली, बी ढाका, सी गोवा और डी महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। इस मीटिंग में जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल मोमेन और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये दोनों सुषमा स्वराज, दोनों लोग का मीटिंग था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप डीजी कॉप लॉन्च किया? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए चेन्नई, बी पटना, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई की जो पुलिस है वो डीजी कॉप लॉन्च की है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, हाल ही में नासा ने किस वर्ष को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? चार ऑप्शन हो गया, ए 2018, बी 2016, सी 2017, डी 2015। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2018। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, किस शहर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ है? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए न्यू दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी गोवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, नौवीं सीनियर महिला हॉकी नेशनल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए हिसार, बी दिल्ली, सी पटना या डी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार हरियाणा में आपको नौवीं सीनियर महिला हॉकी नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हुआ है, अभी चल रहा है ये, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिजनेस मीट का उद्घाटन करेंगे, कहाँ पर करेंगे? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए बेंगलोर में, बी कोलकाता में, सी पटना में या डी तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में करेंगे, कर्नाटका में बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, हाल ही में अल्पसंख्यकों मामलों का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए श्री शैलेश, बी अनूप, सी रजनीश या डी रामेश्वर राय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलेश को, श्री शैलेश को इनको नियुक्त किया गया है अल्पसंख्यक मामलों का नया सचिव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
किस राज्य ने बजट 2019-20 में कन्या सुमंगल योजना आरंभ करने की घोषणा की? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी उड़ीसा। ये क्वेश्चन हम कल भी आपको दिए थे और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप का योजना बहुत कम गवर्नमेंट लाती है, जो जैसे कि ये कन्या सुमंगल योजना में जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, उनके शादी में कुछ पैसा गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाएगा, तो ये करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट हो गया 67.68%, मतलब 67.68% हो गया। सेक्स रेशियो जो हो गया 1000 आदमी पर 912 महिलाएं हैं 2011 सेंसेक्स के अनुसार। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर है राम नायक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ये सारा याद रखिएगा। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, 20.5 करोड़ की जनसंख्या है, टोटल लोकसभा का सीट यहाँ पर 80 है। चलिए देखते हैं यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का राज्य जानवर कौन सा है? हिरन है। राज्य अगर पक्षी पूछा जाए तो क्रेन है, साइरस क्रेन बोला जाता है। राज्य पेड़ है अशोक। राज्य खेल है हॉकी। राज्य डांस है कथक और राज्य फूल है पलाश का फूल। ये सारा हम आपको रिपीट कर दिए, ये क्वेश्चन हम कल भी लिए थे और आज भी लिए हैं, क्योंकि एक दिन में ये याद नहीं होता, इसलिए इसको एक दो बार हमको रिपीट करना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को देना है, और लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कॉर्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन देख लीजिए, ए नितिन गडकरी, बी अरुण जेटली, सी पीयूष गोयल और डी जेपी नाडा। यहाँ पर हम फिगर भी रहने दिए हैं, देखते हैं कितना लोग इनको पहचानते हैं। बहुत ही आसान हो गया इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि हम फिगर यहाँ से हटाए नहीं हैं, तो इनको आप लोग पहचानते होंगे, तो आप लोग 110% इसका आंसर जरूर कमेंट सेशन में लिख कर देंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉर्नट पुरस्कार किसे दिया गया इसका आप लोग कॉमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।